स्टोरी है फिल्म में, एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी किस तरह दुनिया में सर्वाइव कर रहा है और उसको कितनी प्रॉब्लम दुनिया में वो फेस कर रहा है। हमारी स्टोरी का पहला पहलू ये है कि एक कैरेक्टर है जो हमारा हीरो रतमेश, और उसकी लाइफ कितनी जगह पे टर्न हो रही है, एक साथ में वो कितनी जिंदगियां जी रहा है, इसके ऊपर है। उसमें कॉमेडी है, उसका टेंशन है, उसका बिल्डअप है, इस तरीके से वो पूरी लाइफ को फेस कर रहा है। हमने ये दिखाया है कि लाइफ जीना आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, और उसको आसान बनाना है, तो ये अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। सबसे पहले तो वसीम भाई बहुत बढ़िया इंसान है, कंटेंट तो बहुत सारे आते हैं मेरे ऑफिस में, बहुत सारी फिल्मों से मैं जुड़ा भी हूँ, बट इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मिले वो बहुत मैटर करता है। तो वसीम भाई बहुत पहले तो बहुत बढ़िया इंसान है, इसलिए पहले तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ा। फिर कंटेंट तो बहुत अच्छा है ही, ओ माय गॉड से काफ़ी उम्मीद है मुझे, मेरी भी मराठी कैरियर के लिए ये बहुत बड़ी पिक्चर है, मतलब मैं मराठी बहुत सारी किया हूँ, बट मुझे भी लगता है इस मूवी से मुझे बहुत कुछ एडवांटेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मिलने भी बहुत बड़ी बात है इस पिक्चर से जुड़ने के लिए। और पीटर का रिस्पॉन्स जैसे है वो बहुत अच्छा है, बट मैं कोशिश करूँगा मेरी ओ माय गॉड का रिस्पॉन्स उससे डबल हो, मतलब मुझे उम्मीद उससे ज़्यादा है इस पिक्चर की। सो कैरेक्टर पे और इतने सालों से हम फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं और वो लोगों को ही देखते हैं, और ये लोग जितने भी स्टार कास्ट हैं मेरे फिल्म में वो मेरे करीब के लोग हैं और हम हमेशा फैमिली जैसा ही रहते हैं। मैंने उन लोगों से मिला और स्टोरी नरेट की और वो लोग इस तरीके से हम लोग काफिला बनता गया और फिल्म हमारी रेडी हो गई। मराठी फिल्म स्टोरी की डिमांड है, मराठी फिल्म आप ये कहना चाहेंगे वो जुबान जस्टिफाई कर पाए? जी मराठी फिल्म। आपकी फिल्म का जो लीड है, जो सबसे ज़्यादा सताया परेशान हाल आदमी है, जो शख्स है प्रथमेश, उनको बोलना या उनको बोल कराना कितना आसान है मुश्किल, उनका क्या रिएक्शन? नहीं उनका तो बहुत आसान है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी अंदर ले लेते हैं और कैरेक्टर में आ जाते हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं वो, और बहुत समझदार एक्टर है वो, इसीलिए आज प्रथमेश मराठी में अच्छा नाम रखता है। प्रथमेश पर अब उभरता हुआ सितारा है मराठी का, बहुत बड़ा एक्टर है और उसने जितनी फिल्में की है सब बहुत अच्छी हिट भी हुई है, कंटेंट बेस्ड सिनेमा है ये मूवी भी, उसने एक्टिंग वाइज बहुत सुपर्ब की है। जब आप थिएटर में जाओगे 12 तारीख को तो आप देखोगे कुछ अलग ही रोल किया है उसने, और मराठी का सुपरस्टार तो है, यही कहना चाहूँगा। सर उसी में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपके स्टार कास्ट बहुत अच्छी हो, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई हो, और जिस दौर से अभी पूरा देश पूरी दुनिया गुजर रही है उसके बाद हम ओपन करने जा रहे हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, थिएटर जो आने वाले लोग हैं उनसे क्या उम्मीद हो जाती है? सर करना तो है ना, जब तक थिएटरों में सिनेमा लगेगे नहीं तो लोग आएंगे नहीं, हम ये सोचेंगे कि लोग जा ही नहीं रहे और फिल्म लगाएंगे नहीं तो लोग आएंगे भी नहीं, कोशिश करना है किसी ना किसी ने, तो रोहन भाई ने और मैंने ये कोशिश की है, ऊपर वाले से प्रे है, दुआ है, हम लोग भी, हम लोगों के लिए आप भी दुआ कीजिए कि ऊपर वाला हमें कामयाब करे। थोड़ा सा आपका पिछला एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा एज ए सिनेमेटोग्राफर, देखिए किसी को शूट करना और किसी को डायरेक्ट करना अलग अलग मुख्तलिफ बातें हैं, क्या मुश्किल रहा आपके? नहीं मुश्किल तो नहीं, ये आसान है। डायरेक्शन करना और शूट करना अलग अलग बात है, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, आप कोई सीन एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आपसे कोई डायरेक्टर का ब्रीफ होता है कि मैं ये शॉट लगाना चाहता हूँ, शॉट लगाया। हाँ लेकिन इसमें ये फिल्म में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर भी मैं हूँ और सिनेमाटोग्राफर भी मैं ही हूँ, और सीन और जिस तरह सीन शूट करना है और डिस्कस होता है तो ये चीज़ मेरी टीम को, मुझे, हम लोगों को पता थी, उसी तरह हमने शूट किया। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो आए और फिल्म का हिस्सा बने? रोहन आप और वसीम आप दोनों से पूछना चाहिए, ये बात रोहन भाई बताएंगे। मैं तो मुझे उम्मीद है कि ये मूवी कहीं ना कहीं मराठी इंडस्ट्री को बहुत सारे सेंटर ओपन करेगी थिएटर वाइज, क्योंकि मैंने अभी पीटर भी रिलीज़ किया तो ग्रांड रिलीज़ किया, आपने अगर सिनेमा में आप देखोगे तो सारे सिनेमा लगे, तो ये मूवी मुझे लगता है बहुत सारे सेंटर जो बंद है मराठी के वो सारे सेंटर ओपन करेगी। और मैं कल ही वसीम भाई से डिस्कस कर रहा था
कि इसकी प्रोग्रामिंग पिक्चर की थिएटर वाइज बहुत ज़्यादा है, तो क्या किया जाए? तो हम तो कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के हर कोने तक ये मूवी पहुँचे, और कंटेंट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। मैं भी चाहूँगा कि महाराष्ट्र के हर सिनेमा घर तक ये मूवी पहुँचे। डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म में तो आएगी, बट हमारा ये कोशिश है, एज एन एग्जीबिटर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिनेमा भी चलाते हैं हम लोग, तो पहले मैंने सोचा इस मूवी को हम लोग सिनेमा में लाते हैं, ऑडियंस का रिस्पांस देखते हैं, और लास्ट में तो मूवी आपको सैटेलाइट प्लेटफॉर्म में OTT प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। थैंक यू। आई नो वसीम जी एंड आई नो तौफिक, आई हैव बीन वर्किंग विद तौफिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उन्होंने मुझे बुलाया कि आप प्लीज़ टीज़र देखने आएंगे, तो हियर आई एम टू सपोर्ट देम। व्हाट इज योर फीडबैक ऑन द मूवी? बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं हॉरर मूवीज़ देखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, लेकिन ऑल द लव एंड ऑल द लक टू देम। आई होप ये इनकी मूवी सुपर हिट हो। मैं वही कह रही हूँ, मैं ऑनेस्टली हॉरर मूवीज़ नहीं देखती हूँ, बट क्योंकि मैंने वसीम जी का काम पहले भी देखा हुआ है, तो या ही इज़ द बेस्ट वे इन वॉट एवर ही डज। नो सो आई नो तौफीक, ही इज़ राइट हियर, वसीम जी इज़ यंगर ब्रदर, वी हैव वर्क टुगेदर, बट डेफिनेटली ऑनलाइन और मूवीज़ में तो हमने उनका काम देखा हुआ ही है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वसीम जी आप अगली मूवी में मुझे लें शायद। थैंक यू। नमस्कार। 12 फेब्रुवारीला ओ माय घोसामची फिल्म रिलीज होते आहे, त्याच्यामध्ये माझा लीड रोल आहे ऑब्व्हियसली, आणि फिल्ममध्ये ना माझं कॅरेक्टर एक सिम्पलशी पोरगी, खूप शांत असणारी, आपल्या आईवडिलांचं ऐकणारी, अशी एक छान अशी एक सिम्पल पोरगी दाखवली आहे। मग ती काही दिवसानंतर जग्गूला भेटते, मग त्याच्या आयुष्यात खूप साऱ्या घडामोडी येतात, ती त्याच्यामध्ये त्याची कशी हेल्प करते, हे सगळं माझ्या कॅरेक्टरमधून तुम्हाला दिसणार आहे, जे तुम्हाला फिल्म बघितल्यावर कळेल। हां आहेत, ते असं नाही बोलू शकत, ते घोस्ट पण आहे, यस ते घोस्ट आहे, पण तुम्ही फिल्म बघा तरच तुम्हाला कळेल का असं नाही कळलं। काय म्हणता? एक्सपिरियन्स माझा खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता। माझा ॲक्च्युली एक्सपिरियन्स फिल्ममध्ये काम करण्यापेक्षा माझ्या टीमसोबत खूप चांगला होता। मला खूप चांगली टीम मिळाली, मी खूप एन्जॉय केलं, एक फॅमिलीसारखं होतं, आणि खूप वेगळी फिल्म आहे ही, खूप वेगळी, माझं कॅरेक्टर खूपच वेगळं आहे, काहीतरी मला चांगला नवीन एक्सपिरियन्स मिळाला ॲक्टिंग करण्यामध्ये, परत इवन त्या फिल्ममधून पर्सनली पण मला खूप काही शिकायला भेटलं। फिल्म बघितलं तुम्हाला कळेलच, एक कुटुंबासाठी ती फिल्म आहे, तर आपल्या वडिलांसोबत आईसोबत आपण कसं राहावं, एक्झॅक्टली फॅमिली काय असते आणि एक लव रिलेशनशिप काय असतं, हे आपल्याला मला या फिल्ममधून पर्सनली कळलं, आणि हा मी चांगला अनुभव घेतला या फिल्ममधून। हां एक मेसेज आहे सर्वांसाठी आहे, तो कपलसाठी आहे, भाऊ बहिणीसाठी आहे, आईवडिलांसाठी आहे, मित्रांसाठी आहे, तर एक खूप असा चांगला एक मेसेज, एक संदेश या फिल्ममधून सर्वांना मिळणार, आणि खूप कॉमेडी पण आहे फिल्म, म्हणजे असं नाही आहे की काहीतरी मेसेज मिळेल, बोर होईल, फॅमिली फिल्म आहे असं काही नाही, कपल्स पण जाऊ शकतात, 14 फेब आहे, कपल्स जातील बघतील, कपलसाठी आहे, आपल्या फॅमिलीसाठी आहे, भाऊ बहीण जाऊन बघू शकतात ही फिल्म, तर सर्वांसाठी एक खूप चांगला संदेश, खूप चांगला मेसेज सर्वांना मिळेल। वा ह्या फिल्ममध्ये मी भूताची भूमिका केली, जसं तुम्ही सगळ्यांनी पोस्टरमध्ये पाहिलंच असेल, हा आमच्या सगळ्यांसाठीच एक खूप वेगळा अनुभव होता की अशा प्रकारची भूमिका पार पाडायची, आणि हे सगळ्यांचं आमचं टीम वर्क आता फळाला येणार आहे 12 फेब्रुवारीला। खूप एक वर्ष झालं मूवी शूट करून, आणि आता त्याच्यानंतर आमचा मूवी रिलीज होतो आहे, आणि आत्ता जसं पॅन्डेमिक होतं त्याच्यानंतर पहिल्यांदा मूवी थिएटरमध्ये रिलीज होतो आहे, सो सगळ्यांनी मूवी जाऊन नक्की बघा 12 फेब्रुवारीला थिएटरमध्ये। नमस्कार, माझं नाव सोमेश्वरी। वसीम सरांनी मला या मूवीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी दिली, हॉरर प्लस कॉमेडी दोन्हीचं खूप चांगलं मिक्सचर होतं ही मूवी, आणि म्हणजे मी पहिल्यांदाच असं हॉरर मूवी करते आहे, यापूर्वी मी विठ्ठल मूवी केलेली, आम्ही दोघी सोबत आहे त्या मूवीमध्ये, तर त्याची पण आम्हाला खूप आम्ही वाट बघतो आहे कधी रिलीज होते ती, आणि त्याच्यानंतर ही मूवी केली ॲज अ हॉरर आणि कॉमेडीचं, आणि ती मूवी आता करताना आम्हाला म्हणजे खूपच मजा आली, आणि म्हणजे एक घोस्टचं रोल करताना एक वेगळाच अनुभव होतो। तर जसं तुम्ही आता ट्रेलर बघितलं, तर आम्ही म्हणजे घोस्ट आहेत, आणि त्यामध्ये
प्रथमेशचं पण खूप चांगलं काम आहे, काजलने पण खूप चांगलं काम केलं आहे, म्हणजे आमचं टीमवर्क तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि आता खूप वाट न म्हणजे आम्ही खूप दिवसापासून वाट पाहत होतो, हे आता वर्ष खूप चांगली बातमी घेऊन आलं आमच्यासाठी की मूवी रिलीज होते आहे. आणि तुम्ही ही मूवी नक्की बघा, 12 फरवरी 2021 रिलीज होते आहे तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात. तर नक्की पहा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. सगळ्यात आधी तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. आणि मला खूप आनंद होतो आहे की आमची फिल्म OMG अर्थात ओ माय गॉड नाही, ओ माय घोस्ट रिलीज होते. आणि तुम्हाला माहिती आहे ह्या सगळ्या पॅन्डेमिकच्या गोंधळामुळे अनेक महिने आपण सगळेच घरी बसलेलो होतो, पण आज ह्या निमित्ताने आपण सगळे पुन्हा कामाला लागलो आहे. आणि इट्स अ ब्युटिफुल थिंग, इट्स अ व्हेरी एनकरेजिंग थिंग की वसीमभाई आणि रोहनजी मिळून ही फिल्म रिलीज करतायत. आणि 12 तारखेला आमची फिल्म तुमच्या भेटीला येते. आणि मला खात्री आहे की तुम्ही सगळे थिएटरमध्ये जाऊनच ही फिल्म बघाल, कारण थिएटरचा एक्सपिरियन्स हा एक कमालचा एक्सपिरियन्स असतो. आणि इट्स एक्सपिरियन्स टू यु नो चेरिश फॉर लॉंग टाईम. त्यामुळे माझी खात्री आहे हा चित्रपट तुम्हाला नक्की आवडेल. मुळात जेव्हा मला वसीमभाई बोलून सांगितलं की असं जर हॉरर जॉनरचं पिक्चर आहे, तेव्हा मला स्वतःला उत्सुकता होती की कारण मी ह्यापूर्वी हॉरर आणि त्यातून हॉरर कॉमेडी हा प्रकार मी केलेला नव्हता. इट वॉज व्हेरी फन टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट. इथं प्रथमेशसोबत होता आणि सगळी कास्ट खूप छान होती. भले आमची सगळे एकत्र फर्स्ट टाईम काम करत होतो, पण ती भट्टी एवढी चांगली जमली सगळ्यांची. द गिव्हन टेक वॉज सो गुड की कोणाला मला असं वाटलं नाही की मी पहिल्यांदा एकत्र आम्ही काम करतो आहे सगळ्यांना बरोबर. वसीम भाईंचं पण ॲज अ डिरेक्टर पहिली फिल्म होती, तेव्हाही आम्हाला ते स्वतः खूप मोठे DOP आहेत, कॅमेरामन आहेत, त्यामुळे ते हिज एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी बिग प्लस पॉईंट ह्या सगळ्या फिल्मच्या शूटिंगमध्ये. आणि खूप छान गमती जमतीही तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे त्या फिल्मच्या निमित्ताने. त्यामुळे घोष नेमकं कोण आहे आणि कोण नाही आहे ह्याची उत्सुकता तुम्हाला असेलच, कारण टीझर रिलीज झाला, मोशन पोस्टर जेव्हा रिलीज झालं तेव्हा सगळ्यांना अतिशय उत्सुकता वाढली होती की नेमका पिक्चर काय असणार आहे आणि कसा असणार आहे. तर 12 तारखेला तुमची उत्सुकता नक्की मिटेल आणि तुम्हाला हा चित्रपट नक्की आवडेल अशी मला खात्री आहे. पहले तो नमस्कार, मेरा नाम कुरुश टेबू है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी मुन्ना भाई MBBS के किरदार से पहचानते हैं, बट मेरा असली नाम कुरुश टेबू है. मैंने 50 हिंदी फिल्म में काम किया, 10 वेब सीरीज़, 25 TV सीरीज़ और मराठी फिल्म्स मैंने 3 की, पहली धावा धाव की थी, दूसरी ये ओ माय घोस्ट और तीसरी मिलिंद उके जी के साथ मनसून फुटबॉल. तो ये जो मराठी फिल्म मुझे मिली, क्योंकि मैंने उसके पहले गुजराती फिल्म की थी एकड़े एक, उसमें भी वासिम खान सर DOP थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया. और राइटर जो था मोहसिन सर, उनके साथ मैंने 3 फिल्म की थी, तो उन्होंने अप्रोच किया. तो मैं भी सरप्राइज हो गया कि भाई मराठी फिल्म में मुझे क्यों ले रहे. बोला कि नहीं, ये जो कैरेक्टर है इसके लिए आप 100% सूटेबल है, इसके लिए हम कास्ट करना चाहते हैं. तो मैंने बताया कि देखिए मराठी लैंग्वेज में सुन सकता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ. तो बोला कोई बात नहीं, आप हमें कॉन्फिडेंस है कि आप डायलॉग्स याद करके बोलेंगे. तो मुझे स्क्रिप्ट पहले से एडवांस में दी गई थी, मराठी डायलॉग्स जो मैंने याद किया, डायलॉग्स का मीनिंग है वो सब डिक्शनरी सब साथ में लेकर बैठा. फिर जो इस फिल्म में एक मराठी आर्टिस्ट थी अपूर्वा जी, चाइल्ड आर्टिस्ट है उसमें, तो अपूर्वा जी शी वॉज़ वेरी गुड, शी हेल्प मी अ लॉट टू टीच मी डायलॉग डिलीवरी फॉर माई कैरेक्टर्स. सो बहुत सारी हेल्प किया उसने. और जो मैं मेहनत हिंदी फिल्म में करता हूँ उससे 4 गुनी मेहनत मैंने ये फिल्म के डायलॉग्स के लिए किया. मेरा जो किरदार है इस फिल्म में वो एक भूत का कैरेक्टर है, आई एम परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ घोस्ट, बट ये जो घोस्ट है वो हटके घोस्ट है. और मेरे साथ पंकज जी है और भी पूर्वा जी है, तो ये हम लोग घोस्ट बने हैं. प्रथमेश परब इस फिल्म का हीरो है, स्टार है, और जो फिल्म शुरू होती है उसमें वैसे ही वो परेशान है, ज़िंदगी से बहुत लाचार है, बहुत सारे उसके ऊपर दुख दर्द हो रहे हैं. और इतनी सारी मुसीबतों के बाद हम घोस्ट लोग उसके घर में आक्रमण करते हैं,
तो मतलब डबल जॉपर्दरी हो जाता है, एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत आ जाती है। तो हम क्यों उसकी उसकी लाइफ में एंटर होते हैं, क्या मकसद है हमारा और क्या इमोशनल कनेक्शन है उस घर के साथ, उस कैरेक्टर प्रथमेश परब के साथ, उसके लिए मैं विनती करता हूँ कि आप सब लोग 12 फरवरी को थिएटर में ज़रूर फिल्म देखें।